हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का एक्सपेक्टेड प्लॉट क्या हो सकता है। तो मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। द गार्डियंस रेविस और गमोरा की सहायता से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं ताकि रॉकेट की फाइल को पुनः प्राप्त किया जा सके, ताकि उसका इलाज खोजा जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। ड्रैक्स और नेबुला को चोट लगने के कारण वे फाइल के साथ बमुश्किल बच पाते हैं, लेकिन इसे खोलने में असमर्थ है। वे हाई इवोल्यूशनरी के वैज्ञानिकों में से एक थेल को ट्रैक करते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि उसके पास स्मृति में पासपोर्ट संग्रहित है। गमोरा द्वारा ट्रैक की चेतावनी के बावजूद गार्डियन काउंटर का दौरा करते हैं। आयशा और उसका नवजात बेटा एडम वॉलॉक एक रेगर और उसके पालतू ग्लव्स को पकड़ते हैं और उससे गार्डियंस के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे और सवाल पूछ सके, एक अनियंत्रित वॉलॉक उसे विघटित कर देता है। सार्वभौम ने गमोरा के एक संदेश को स्वीकार किया जिसमें रेगर चौकी को लेने के लिए कहा गया और गार्डियंस टू काउंटर अर्थ का अनुसरण किया। ग्रूट, नेबुला और क्विल थेल की स्थिति का पता लगाते हैं। स्वयं एक हथियार होने के कारण नेबुला को प्रवेश से मना कर दिया गया। हाई इवोल्यूशनरी ग्रूट और क्विल को पकड़ लेता है और रॉकेट को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुअर को गार्डियन जहाज में भेजता है। गमोरा रॉकेट की रक्षा करता है, लेकिन एडम वॉलॉक आता है और सुअर को मारता है क्योंकि उसे अपनी जाति को बचाने के लिए रॉकेट की जरूरत होती है, जबकि ग्रूट और क्विल ग्रूट के अंदर छिपे हथियारों का उपयोग करके उच्च विकासवादी और उसके आदमियों से लड़ते हैं। उच्च विकासवादी अपने अंतरिक्ष यान प्रयोगशाला को लॉन्च करता है और इस प्रक्रिया में काउंटर अर्थ को नष्ट कर देता है। नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस ग्रूट और क्विल को बचाने की कोशिश करने के लिए जहाज पर कूद जाते हैं, लेकिन उनके बारे में जाने अनजाने दोनों ने थेल के साथ जहाज से छलांग लगा दी। एडम वॉलॉक को होश आता है कि उसकी मां खतरे में है, लेकिन आयशा को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वह और सॉवरेन का ग्रह नष्ट हो गया है। रॉकेट लायला चोर से मिलता है और मंजिल और कहा जाता है कि यह अभी उसका समय नहीं है। क्विल, गमोरा और ग्रूट रॉकेट को पुनर्जीवित करते हैं। ड्रैक्स, मेंटिस और नेबुला क्विल से संपर्क करते हैं और पाते हैं कि वह भाग निकला है और रॉकेट जीवित है। वे हाई इवोल्यूशनरी के जहाज में बच्चों को भी खोजते हैं। तीनों को पकड़ लिया गया है और उन्हें एबिलिस्ट को खिलाया जाना है। क्रेगलिन की मदद से अभिभावक उनके बचाव में आते हैं। मेंटिस ओबिलिस्ट के साथ संवाद करने में सक्षम है और उनके साथ भाग जाता है। कॉस्मो के टेलीकिनेसिस का उपयोग करते हुए वे बच्चों को पार करने की अनुमति देने के लिए हाई इवोल्यूशनरी के जहाज को क्रेगलिन के जहाज से जोड़ते हैं। रॉकेट को जहाज में बच्चे रैकून और अन्य जानवर मिलते हैं। उन्हें मुक्त करने की कोशिश करते समय रॉकेट पर एक जुनूनी उच्च विकासवादी द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन गमोरा के साथ बाकी रखवालों द्वारा बचाया जाता है, जो तख्ता पलट कर देता है। वे बाकी प्रयोग किए गए जानवरों को बचाते हैं, लेकिन कॉस्मो ने जहाज को एक साथ रखने के तनाव के आगे घुटने टेक दिए। गमोरा रेवेर्स के पास लौटता है और उसका विजयी स्वागत किया जाता है। गैलेक्सी के रखवालों को भंग कर दिया गया है। क्विल ने भागना बंद करने का फैसला किया और पृथ्वी पर घर लौट आया। मंटिस वह खोजने की कोशिश करता है जो वह चाहता है और ओबिलिस के साथ छोड़ देता है। नेबुला ड्रैक्स से बचाए गए बच्चों को पालने में मदद करने के लिए कहता है।